हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रांस फूडी। तो आज का रेसिपी बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा केक का रेसिपी 2-3 लोग ट्राई किए और पर्सनली मुझे फ़ोन करके अपना फीडबैक बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही इजी और डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का इजी और डिलीशियस रेसिपी आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी मूंग दाल करी। तो चलते हैं, आज का रेसिपी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम ग्रीन मूंग दाल अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट पानी में भिगो के रखी थी। तो अभी हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें मूंग दाल डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार डालेंगे और 2-3 सीटी लगा देंगे। इसके बाद एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून कटी हुई जिंजर यानी अदरक और 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज डालेंगे और 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। और अपना स्पाइसी का अकॉर्डिंग 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 2 मीडियम साइज कटी हुई टमाटर डालेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के 2-3 मिनट कुक कर लेंगे। तो टमाटर अच्छे से कुक हो गया है तो हम अपना मूंग दाल चेक कर लेते हैं। तो मूंग दाल भी अच्छे से कुक हो गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट उबाल लेंगे। तो दाल में अच्छे से उबल आ रहे हैं, अभी हम कटी हुई कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और मिक्स करेंगे और गैस बंद करके गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।